ब्रिटिश गहलोत थे और आज महाराष्ट्र की असेंबली में स्पेशल सेशन कॉल आउट किया गया था। उस सेशन में यूनैनिमसली एक बिल पास किया जिसमें मराठाओं को रिजर्वेशन देने की मांग को मंजूर कर दिया गया। अब महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि हमारे मराठा भाइयों को 10% रिजर्वेशन मिलेगा जॉब में और एजुकेशन में। देखिए, हम पहले से कहते थे हमारे मराठाओं को रिजर्वेशन दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, दीजिए उनको रिजर्वेशन। मगर साथ ही साथ हम ये मांग कर रहे थे कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमने ये मांग की थी कि महाराष्ट्र में मुंबई की उच्च न्यायालय ने 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मुसलमानों को दे, ये कहा था, तो सरकार क्यों नहीं दे रही है। हम 10 बरस से जब हम असेंबली में आए थे तब भी हमने काफी मर्तबा इस मुद्दे को असेंबली पे उठाया कि सीएम साहब मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दीजिए एजुकेशन के अंदर। वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा, मैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं जिनका अरमान है कि उनका भी बेटा उनकी बेटी पढ़ लिख कर आईएएस आईएफएस ऑफिसर बने, राज्य के दूसरे नागरिकों के कांधे से कांधा मिलाकर राज्य का नाम रोशन करे। और काफी कमेटियों के रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, दर्शाता है कि मुसलमान सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो सरकार रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रही है? मोदी जी तो बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो क्या ये आपका सबका साथ है? मैं फिर बोल रहा हूं, मराठाओं को रिजर्वेशन दीजिए, हमारे धनगर समाज को रिजर्वेशन दीजिए, मगर साथ ही साथ 5% रिजर्वेशन जो मुंबई की हाईकोर्ट ने कहा है कि मुसलमानों को एजुकेशन में देना चाहिए, वो भी प्लीज दीजिए। ये हमारी महाराष्ट्र सरकार से मांग है।